दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वीईओ के लिए फरवरी माह के टॉप 50 करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चित जो टॉपिक इस बार रहा है वो है कोरोना वायरस, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोरोना वायरस कई वायरस विषाणु प्रकारों का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग के कारण होते हैं। यह आरएनए वायरस होते हैं। मानवों में यह श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होते हैं जो अधिकांश रूप से मध्यम गहनता के लेकिन कभी कभी जानलेवा होते हैं। गाय और सूअर में यह अतिसार और मुर्गियों में यह ऊपरी श्वास तंत्र के रोग के कारण बनते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका, वैक्सीन या वायरोधी अभी उपलब्ध नहीं है और उपचार के लिए प्राणी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करा जाता है। और रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार करा जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। हाल ही में WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेजी से उभर कर 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत समेत कई देशों में फैले खतरनाक कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा क्वेश्चन, मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किसने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। तीसरा क्वेश्चन, देखिए, इनमें से किस कंपनी ने कोरोना वायरस के चलते चीन में स्थित अपने दफ्तर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा गूगल। चौथा क्वेश्चन, देखिए, बजट 2020 में वित्त मंत्री ने कितने लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 5 लाख। पांचवा क्वेश्चन, वर्ल्ड की सबसे उम्रदराज महिला होने का दावा करने वाली फातिमा मिर्जोकुलोवा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 126 वर्ष। छठा क्वेश्चन, देखिए, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन डी, नेपाल। सातवां क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का बजट कितना कर दिया गया है? 600 करोड़ रुपए। आठवां क्वेश्चन, देखिए, शुभमन गिल किस खेल में रुचि रखते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। नवा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2019-20 वुहान कोरोना वायरस एक भयानक बीमारी है, वुहान कोरोना वायरस में वुहान क्या है? तो देखिए, वुहान चीन के हुवेई प्रांत का एक शहर है। दसवां क्वेश्चन, देखिए, क्वीन ऑफ सस्पेंस लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए, मेरी हिगिंस क्लार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलग्रीन्स वुड्स
एयरलाइंस ने भारत की किस आईटी कंपनी को सबसे बड़ा 1.5 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया है? टीसीएस। बारहवां क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में किस बैंक को 492.28 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदर्भ के बल्लेबाज वसीम जाफर रणजी क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12,000। चौदहवा क्वेश्चन देखिए, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के कितने किलो वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है? 49 किलो वर्ग। पंद्रहवा क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वजह से भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया है? ऑप्शन सी, चीन। सोलहवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कितने एकड़ जमीन देने की घोषणा की है? ऑप्शन डी, 5 एकड़। सत्रहवा क्वेश्चन, इंडोनेशिया देश में किस नाम से एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है? सुग्रीव विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज हुई है? ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत से आने वाले पर्यटकों को निशुल्क प्रवेश को खत्म कर दिया है? भूटान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर शहर का औपचारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया है? ऑप्शन सी, जयपुर। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत की किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से देश में पहली मौत होने पर कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? केरल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस मैगजीन सीओ वर्ल्ड के द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे देश की सूची में किस देश को पहला स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, कनाडा देश में भारत के किस व्यक्ति को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, अजय विसारिया। अगला क्वेश्चन, HDIL की संपत्तियां बेचने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर किसने रोक लगा दी है? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। 26वां क्वेश्चन देखिए, प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, भारत। 27वां क्वेश्चन, महिला सुरक्षा को लेकर किस राज्य सरकार ने राज्य में देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार। 28वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वजह से किस देश ने वन जीव के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन बी, चीन। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश ने किस क्रिकेट टीम को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 3 विकेट से हराकर पहली बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है? ऑप्शन डी, भारतीय क्रिकेट टीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व
प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने सरकारी डीजल वाहन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन डी बिहार सरकार। 32वां क्वेश्चन, दिल्ली चुनाव 2020 में किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करते हुए जीत दर्ज की है? आम आदमी पार्टी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के विरुद्ध हैट्रिक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन बी नसीम साहा। 34वां क्वेश्चन देखिए, नेस्ले और बजाज फिनसर्व को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? ऑप्शन बी डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने सीएफएल और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन सी केरल सरकार। अगला क्वेश्चन, भारत की किस राज्य सरकार ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। 37वां क्वेश्चन, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने कितने साल की सजा सुनाई है? ऑप्शन बी 11 साल। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली 109 साल पुरानी रेलवे लाइन बंद करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी हाईलाइट क्वेश्चन भी है ये। आंसर हो जाएगा कोविड-19। 40वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? ऑप्शन सी कोरोना वायरस। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन सी पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्द ही कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 रुपए। 44वां क्वेश्चन, राकेश सिंह की जगह किसे भाजपा ने खजुराहो से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन बी वीडी शर्मा। 45वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्विंटन डिकॉक। अगला क्वेश्चन, भारतीय टीम के किस स्पिनर गेंदबाज ने आईपीएल 2020 के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन सी हरभजन सिंह। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव बंसल को किस एयरलाइन कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन डी रीडिंग मिशन हरियाणा। 49वां क्वेश्चन देखिए, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड के नहीं जुड़े होने पर कब से पैन कार्ड निष्क्रिय करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी 31 मार्च। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश और तालिबान के बीच शांति समझौते पर 29 फरवरी को हस्ताक्षर करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन डी अमेरिका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त तो हो जाएंगी। कल के वीडियो में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश जीके का एक शानदार वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।